जारी है, वोट डाले जा रहे हैं। आज पांचवें चरण का मतदान हो रहा है। कई दिग्गजों की किस्मत भी आज दांव पर लगी हुई है और वो एक मैसेज देने के लिए सुबह सुबह अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच गए हैं, ताकि जो पिछले चार चरण में उदासीनता देखी गई है कम से कम वो देखने को ना मिले और वोटर्स भी उसी तरह से अपने घर से निकले। स्मृति ईरानी ने मतदान किया है सलून। बिल्कुल, मतदान का उत्सव मनाया जा रहा है। बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, स्मृति ईरानी ने भी मतदान किया है। पहले मतदान फिर जलपान पर चल रहे तमाम नेता अमेठी में। स्मृति ईरानी ने वोट डाला है अमेठी में भी। अब उनका घर भी है गौरीगंज इलाके में, वहीं रहती हैं। जीतने के बाद उन्होंने वहां पर अपना घर बना लिया है। लोगों के दिलों में घर बनाया है या नहीं, ये 4 जून को पता चलेगा। 4 जून को पता चलेगा। लेकिन आप ये देखिए कि इससे पहले हम देख चुके हैं कि लोगों के घर पर, लोगों के दिलों पर किस तरह से वो घर कर गई हैं, या जो प्रेम है, जो भरोसा है लोगों का उनके प्रति देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बार अमेठी इसलिए भी चर्चा में है कि देखिए राहुल गांधी किस तरह से भाग गए, वो चले गए उधर रायबरेली, और किस तरह से जब केएल शर्मा का नाम सामने आता है तब उस वक्त ये चर्चा होने लगती है कि देखिए राहुल गांधी भाग गए। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये गौरीगंज के मतदान बूथ की है। निवेदन करती हूं कि आप शीघ्रातिशीघ्र अपने मतदान केंद्र पर जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूं कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। तो तस्वीरें हम दिखा रहे थे आपको, स्मृति ईरानी वोट करने पहुंची हैं और उन्होंने भरोसा दिया है जनता को। एक बार फिर हमारे साथ एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है। हर तस्वीर 24 के रण की, इस पांचवें चरण की हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि वोट यज्ञ चल रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कहां कहां से जुड़े हैं, सबसे पहले वो जानकारी आपके सामने रख देते हैं। अनामिका पांडे हमारे साथ जुड़ गई है, हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ सृष्टि पांडे भी जुड़ी हुई है। लेकिन सबसे पहले अनामिका के पास चल रहे हैं। अनामिका, जहां पर आप मौजूद है ऐसा लग रहा है पिंक बूथ है, स्मृति ईरानी वोट कर चुकी है, तमाम दिग्गज, आज बहुत महत्वपूर्ण चरण है। और यहाँ 14 सीटों पर मतदान हो रहा है उत्तर प्रदेश में आज, और 14 सीटें हैं, इनमें से 5 सीटें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। और सलोनी, अब से कुछ देर पहले मैं राजनाथ सिंह जहाँ पर वोट करने आने वाले हैं उस बूथ पर थी, थोड़ी देर में वोट करने वो पहुंचेंगे, लेकिन अभी मैं जिस बूथ पर हूँ वहाँ मालिनी अवस्थी वोट करने आने वाली है। यहाँ पर तैयारियां देखिए आप बूथ की। आदर्श मतदान केंद्र किसे कहा जाता है, गर्मी का मौसम है, वाटर कूलर लगाए गए हैं लोगों के लिए कि लोगों को दिक्कत ना हो, जो वृद्धार है उनके लिए व्हील चेयर है, बाकायदा पेठे की व्यवस्था की गई है, उसे कवर करके रखा गया है कि आइए मतदान कीजिए, अपना मुंह मीठा कीजिए, पानी पीजिए, और उसके बाद यहां से आप आराम से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद जाइए, लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। देखिए सर, आप लोगों के लिए यहां पेठे और पानी सारी व्यवस्था है? हाँ, बढ़िया बढ़िया है। वोट डाल दिया? हाँ, डाल दिया। अभी तो आप वोट डाल के मुंह मीठा कर लेंगे, 4 जून को किसका मुंह मीठा होने वाला है? पता नहीं, हम लोग अभी नहीं पता है, अभी नहीं। किसकी सरकार चाहते हैं? किसकी सरकार चाहते हैं? मोदी जी का बन जाए। अच्छा अच्छा, क्यों मैम, क्यों ऐसा क्यों? अच्छा काम करते हैं इसलिए। अच्छा काम करते हैं। हाँ। महिलाओं के लिए क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। सुरक्षा करते हैं, देखिए मुस्कुराकर पीछे से जा रही है, मैं इनसे बात करती हूँ। क्या नाम है आपका मैम? विद्या सिंह। मैम वोट तो कर दिया आपने, दिखाइए। वोट कर दिया है आपने, क्या सोचकर वोट किया महिलाओं ने इस बार? किया है जिसमें हम लोगों की भलाई है, जो हम लोगों की भला के लिए सोचे बस वही, उसी के लिए कर रहा है। भला सोचे उसके लिए वोट करेंगे, देश का विकास तो देश आगे बढ़े बढ़े बस। देखिए और भी कुछ लोग हैं। मैम वोट कर दिया आपने? हाँ जी। क्या नाम है आपका? निधि सिंह। निधि जी, महिलाओं के मुद्दे क्या है लखनऊ में इस बार, क्या चाहती हैं महिलाएं? जो अभी तक चाहा है वही चाहते हैं मोदी सरकार। अच्छा, नहीं नहीं पूछा मैंने, आप बताइए क्या मुद्दे हैं? अच्छा है, देश का विकास होना चाहिए, प्रदेश का विकास होना चाहिए, राष्ट्र का विकास होना चाहिए, सर्वोपरि राष्ट्र है हमारे लिए, तो हम एशिया के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ओलंपियन हैं, भारत सरकार से अर्जुन पुरस्कार मिला है, तो हमारा तो उद्देश्य यही है कि देश आगे बढ़ना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। और सर रिपब्लिक भारत भी यही कहता है, राष्ट्र सर्वोपरि। आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं? हमारे भी यही मुद्दे हैं जो इन्होंने बताए, देश बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। हाँ, देश बढ़ रहा है, अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। और देखिए ये कुछ युवा वोटर्स हैं, आप भागिए मत ऐसे, मुझे बता कर जाइए क्या सोचकर वोट किया आपने? मैंने दोनों पार्टीज के मैनिफेस्टो की डीप स्टडी करी थी, उसके बाद मुझे जो पार्टी सही लगी मैंने उसको वोट दिया। आपने मैनिफेस्टो पढ़ा था जी,
अच्छा, मैनिफेस्टो को लेकर तो बड़ा बवाल भी हुआ था, बड़ी बातें कही गई और ये कहा गया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आर्थिक सर्वे की बात कही गई है। मैं उस पर तो बोलूँगा नहीं, लेकिन जो भी मैनिफेस्टोज हैं उसको अगर आप एक एजुकेटेड आदमी हैं तो आपको पढ़ना चाहिए और अपना एक सेंसिबल डिसीजन लेना चाहिए देश के हित के लिए। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि आपको अपने जो मैनिफेस्टो हैं दोनों पार्टियों के उनको देख के उनको पढ़ के फिर वोट करना चाहिए। और भी कुछ वोटर्स हैं, संजीव जल्दी से आइएगा, मैं ज़रा इनसे बात कर लेती हूँ। कुछ ऐसे हैं जो वोट कर चुके हैं, जो वोट करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, मैं इनसे भी एक बार बात कर लेती हूँ। लखनऊ के लोग जागरूक हैं और यही सोच कर मतदान करने आए। क्या नाम है आपका? उषा। कर दिया वोट? नहीं, अभी जाएंगे। क्या मुद्दे हैं इस बार उषा मैम आप लोगों के? वही है जो सबके हैं मुद्दे। क्या सबसे बड़ा है? बेरोजगारी है, शिक्षा है, चिकित्सा है। चिकित्सा, अच्छी शिक्षा, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए। हा? और क्या, सब महंगी कर दी स्कूलों में बहुत ज्यादा, फीस भी महंगी है, ये भी मुद्दा लखनऊ में है इस बार। क्या मुद्दे हैं मैम आप लोगों के? बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और सबके लिए रोजगार। सबके लिए रोजगार। अभी कैसा महसूस कर रही है जब आप वोट करने के लिए आई हैं? कोई बदलाव देख पाई हैं या फिर बदलाव करना चाहती हैं? नहीं, बदलाव तो हुए हैं। बदलाव हुए हैं, काफी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, काफी चीजों में सुधार भी हुआ है, तो और सुधार ही चाहते हैं। और सुधार चाहिए इनको। सर आपका क्या नाम है? अनुज। अमित जी, क्या मुद्दे हैं लखनऊ के इस बार? मुद्दे क्या है, काम अच्छे हो रहे हैं बस, और काम अच्छे हो रहे हैं जी। हाँ हाँ, पहले से, मतलब पहले जो था वो उसमें और आज में बहुत फर्क है। जैसे आपका कंप्यूटराइजेशन करके उन्होंने ऑनलाइन कर दिया, आरटीओ, ये सब घूस हो रही जो बंद है। अच्छा, भ्रष्टाचार अब नहीं हो रहा है या कम हो गया? भ्रष्टाचार कम हो गया है, और जितना ऑनलाइन हुआ उसकी वजह से। उसकी वजह से आप क्या कहेंगे मैम? क्या नाम है आपका? सही है, बिल्कुल सही है। क्या नाम है आपका? सीमा। वर्किंग है या हाउसवाइफ? हाउसवाइफ हूं। हाउसवाइफ है। तो हाउसवाइफ क्या चाहती है, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं महंगाई। एक बार जरा सृष्टि का भी हम रुख करते हैं, क्योंकि कैसरगंज की अगर बात करें तो वो भी खासा चर्चा में बना रहा। जिस तरह से ब्रजभूषण को टिकट इस बार ना देकर उनके बेटे करण सिंह को टिकट दिया गया है।